आज पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल की कम्युनिस्ट सरकार के चंगुल से मुक्त हो गया है। संविधान के अनुसार मंदिर पर सरकारों का कोई अधिकार नहीं है। 2,00,000 करोड़ की संपत्ति और समृद्ध विरासत वाला पद्मनाभ स्वामी मंदिर अब सरकार का नहीं है। अब इसकी देखभाल ट्रावणकोर का शाही परिवार करता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने केस लड़ा और मंदिर को हासिल किया। मंदिर प्रबंधन ने सभी सदस्य अब हिंदू होंगे। जब त्रावणकोर के युवराज आदित्य वर्मा ने ये जानकारी अपनी माँ गौरी लक्ष्मी को बताई तो दोनों खुशी से रो पड़े। अगर हिंदू एकता के बारे में सोचते हैं तो यही स्थिति है। जिस दिन आप एकजुट हो गए, आप धरती को पलटने की क्षमता रखते हैं। आपको देश के सभी मंदिरों को आज़ाद कराना होगा।